एमपी में कहीं नदी तो कहीं हैंडपंप, उगल रहे हैं शराब, फ्लाइट से आती है कॉरेक्स। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। क्या आपने कभी हैंडपंप और नदी को शराब उगलते हुए देखा या सुना है? यदि नहीं तो आज हम आपको ऐसी ही खबर बताने जा रहे हैं। जी हाँ, खबर है मध्य प्रदेश के रीवा जिले की। नशे और कॉरिक्स के लिए बदनाम हो चुका विंध्य क्षेत्र में जल, थल और वायु मार्ग से नशे का अवैध कारोबार हो रहा है। कारोबारियों ने नदी, हैंडपंप और घरों के अंदर जमीन में शराब के टैंक गाड़ रखे हैं। प्रतिबंधित कॉरिक्स सिरप यहाँ फ्लाइट से आती है। फिल्म उड़ता पंजाब की कहानी विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले की हकीकत बनती जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर 8 अक्टूबर से रीवा पुलिस ने जिले भर में सर्च अभियान चलाया है। इस अभियान में पुलिस को बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ मिले। पिछले 6 दिन के अंदर 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें जल, थल और वायु मार्ग से नशीले पदार्थों का कारोबार होना पकड़ा गया। 11 अक्टूबर को मऊगंज थाना अंतर्गत पहाड़ी गाँव में पुलिस टीम ने दबिश दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि गाँव में शराब का अवैध कारोबार लंबे समय से चल रहा है, लेकिन पुलिस ने दबिश दी तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। पुलिस ने शराब के ठिकानों की जानकारी जुटाने के लिए मुखबिर की मदद ली। इसके बाद गांव के कुछ घरों में घुसकर पुलिस ने खुदाई शुरू कर दी। संदिग्ध अवस्था में खुदाई करने पर शराब के ड्रम निकले। पूरी कार्रवाई में 405 लीटर देसी शराब जब्त की गई। पुलिस ने इस गांव के 11 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया, साथ ही 11 क्विंटल महुआ लहान नष्ट किया। रीवा में बड़े पैमाने पर युवा सर्दी खांसी से निजात के लिए दी जाने वाली कॉरिक्स सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए कर रहे हैं। इस सिरप का सेवन करने से 200 मिलीलीटर शराब के बराबर नशा होता है। मुंह से शराब के जैसी दुर्गंध भी नहीं आती, इसलिए इस सिरप को बैन किया जा चुका है। कार्गो कोरियर से पहुंची नशीले सिरप की खेप। 11 अक्टूबर की सुबह 10 बजे लोही स्थित एसपीआर कार्गो कोरियर सर्विस में कोतवाली पुलिस ने दबिश दी। तलाशी में राजेंद्र कृष्ण यादव के नाम पर पार्सल किए गए 40 कार्टून मिले। ये कार्टून दिल्ली के द्वारका से भेजे गए थे। एक पेटी से 100 ml की 120 cc और कुल 40 पेटी से 4800 cc कफ सिरप बरामद हुई। रसीद कृष्णा मेडिकल स्टोर पीपल चौराहा गोविंदगढ़ के ऑर्डर पर आई थी। यह पार्सल हवाई मार्ग से भेजा गया था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोरिक की खेप बनारस और फिर वहां से सड़क मार्ग से रीवा तक पहुंचाई गई है। टमस नदी में छुपा कर रखी थी शराब। एएसपी विवेक कुमार लाल ने बताया कि पानी के अंदर से शराब तस्करी की सूचना पुलिस को मिली थी। ऐसे में चाक घाट थाना प्रभारी अभिषेक पटेल को 12 अक्टूबर को मौके पर भेजा। पुलिस टीम टमस नदी के टोंक गांव स्थित घाट पर छापेमारी की कार्रवाई करने पहुंची, लेकिन कुछ नहीं मिला। बाद में पुलिस ने नाव से नदी के पानी में सर्चिंग शुरू की। घंटों चली इस कार्रवाई में पानी के अंदर छुपा कर रखी गई शराब और 6 क्विंटल महुआ लहान बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया, साथ ही एक आरोपी को थाने में तलब किया गया। यूपी के रास्ते भी जिले में पहुंचती है नशे की खेप। यह जिला उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश सीमा से लगा हुआ है। इस रास्ते का भी इस्तेमाल नशे की तस्करी के लिए किया जा रहा है। वहीं जिले की दक्षिणी सीमा सीधी और पश्चिमी सीमा सतना जिले के अमरपाटन और रामपुर बघेलान तहसील से जुड़ी है। जिले का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है, जो कि एक ओर सतना और दो ओर से इलाहाबाद से मिलता है। उत्तर प्रदेश की मुख्य सीमा से सड़क मार्ग के रास्ते नशे की खेप जिले में पहुंच रही है। वहीं बिहार, महाना और टमस नदी जिले से होकर गुजरती है। पुलिस से बचने के लिए शराब के कारोबारी नदियों का इस्तेमाल शराब के स्टॉक को छुपाने के लिए कर रहे हैं। नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए रीवा पुलिस ने अभियान शुरू किया। नशे के कारोबारियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 9479997171 भी जारी कर दिया है। अब तक यहां से पकड़ी जा चुकी है शराब। शहरी क्षेत्र में कबाड़ी मोहल्ला, रसिया मोहल्ला, चौरहट्टा थाने का मैदानी इलाका, तरहटिया, अमहिया थाने के दरगाह के पास, वान सागर कॉलोनी और पोखरी टोला में नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। इसी तरह जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बैकुंठपुर, गुड़ गोविंदगढ़, रायपुर, करचुलियान, नईगढ़ी, मऊगंज, चाक घाट और त्योधर में रीवा पुलिस ने छापेमारी कर तस्करों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 4 दिनों में रीवा पुलिस ने कॉरिक्स सिरप की अवैध बिक्री से जुड़े 11 मामले दर्ज किए। 12 लोगों को आरोपी बनाया गया। मात्र इन 4 दिनों में पुलिस ने 7743 बोतल कफ सिरप जब्त की, जिसकी बाजार में कीमत 14,41,730 रुपए आंकी गई है। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में पिछले 2 दिनों में लगातार नशा मुक्ति अभियान में रीवा जिले में काफी कार्रवाइयां संपन्न हुई हैं। इस दौरान न सिर्फ अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई हुई, अपितु
उन व्यक्तियों पर भी कार्रवाई हुई है जो रोड पर खड़े होकर शराब का सेवन करते हैं, और निकलने वाले महिला, बच्चों, अन्य व्यक्तियों को इस बात से काफी आपत्ति भी होती है और माहौल भी खराब होता है। इसे देखते हुए हम लोगों ने अभी कोरेक्स, गांजा, इन सब पर कार्रवाइयों में बढ़ोतरी करने हेतु आप सबसे सहयोग की हमें अपेक्षा है। इस सहयोग की अपेक्षा हेतु हमने एक विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, उस नंबर का आप लोग कृपया करके सेव कर लें। नंबर है 9479997171। इस नंबर पर आप कभी भी फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पर कोरेक्स, गांजा, अवैध शराब इत्यादि सूचना देने वाले का नाम और नंबर गोपनीय रखा जाएगा, किसी अन्य व्यक्ति को या थाने में उस नंबर की सूचना नहीं दी जाएगी। केवल आपके द्वारा दी गई जानकारी ही आगे प्रेषित की जाएगी और उस पर कार्रवाई का कंप्लायंस प्रतिवेदन लिया जाएगा। हम इस अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निश्चित अभियान में आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आपके सहयोग से हम और अधिक अच्छी कार्रवाई करके रीवा जिले में नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाएंगे। जय हिंद।